हम लोग अभी अमादाशिया लूप से रॉक गार्डन की तरफ जा रहे हैं। व्यू ऑसम, खूबसूरत व्यू है। हम लोग कार पे दो जन अकेले ही हैं, कोई नहीं है। बहुत मस्त वेदर है। हमारे पैकेज में पर्सनल कार हमें मिला है। इस पैकेज में हम लोग को पर्सनल कार मिला है तो आउटसाइड घूमने के लिए। रॉक गार्डन का यहाँ से इस तरफ से गंगा मैया जाने की रूट है, लेकिन गंगा मैया का रूट अभी बंद है। बहुत ख़राब रास्ता है, ड्राइवर लेने नहीं जाता है। अगर जा सकते हैं तो एक्स्ट्रा पैसा अमाउंट देना होगा। यस, हमारे देव साहब जा रहे हैं और रियली गाइस इट इज अ सुपर व्यू। देखिए रॉक गार्डन का, यहाँ पे ये छोटा सा फ्लावर का वो बनाया हुआ है, काफी खूबसूरत है। मैंने ये फ्लावर वो ऑसम। और देखो ये फ्रूट, इसे फल हुआ है, इसमें से छोटा सा बड़ा सा फल कुछ हुआ है। आई डोंट नो इस पर। बहुत याद आ जाता है ना कभी कभी तुलसी, कभी तुलसी हम लोग के अंदर डूब जाती है। चलो तुलसी की बड़ी बेटी आ गई। नमस्ते, आई आई, किधर को जाना है? सच बता रहे हैं गाइस, देखो झरना, देखो देखो पानी कैसे नीचे गिर रहा है। ऑसम लग रहा है यार। ला 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 ला। कुदरत बड़ी कमाल की चीज है, कसम से कुदरत से। हम लोग वहाँ जा रहे हैं। हम अभी दोनों एकदम ऊपर से उठे, शायद ऊपर भी जा सकते हैं लेकिन नहीं जाएंगे। और बहुत सुंदर नज़ारा है,
नीचे की तरफ देख रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से पूरा व्यू। इन नींबू का पेड़ है, कितना सुंदर से। अभी हम लोग होटल पर पहुंच जाएंगे थोड़ा ही देर पे, और होटल अब पहुंच के हम लोग थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके पीस ऑफ पगोडा पे हम लोग पहुंचेंगे। और ये जो नींबू का पेड़ दिख रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नींबू से नींबू तोड़ के मैं खा ही लूँ। ऐसा फ्रेश नींबू शायद बहुत डिलीशियस होगा। तो हम लोग निकलते हैं होटल की ओर। ये मेरा लुक्स है आज का, शायद अच्छा लग रहा है, पता नहीं। तो हम लोग सुबह टाइगर हिल गए थे, फिर वहाँ से कहाँ गए थे, बतासिया लूप, फिर वहाँ से गए रॉक गार्डन। अब हम लोग होटल गए, फिर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किए, अब हम लोग पीस ऑफ पगोडा पे जा रहे हैं। तो आए हैं तो तब सब जैकेट फैकेट था, अब जैकेट फैकेट खोल दिए। मैंने लेकिन नहीं खोला है, मैंने अपना जैकेट अभी तक पहन रखा है। हाँ। खोल दूंगा बाद में। सो हम लोग पीस पकौड़ा में अब जा रहे हैं। पीस पकौड़ा एंड ये रहा इसका एंट्री गेट। देवाशीष आओ। देव तो अभी सजने धजने में बिजी हो गया है, ऐसे लग रहा है जैसे ऊपर में कोई इसकी दुल्हन बैठी हुई है जिसको देखने के लिए वो अभी जाएगा। डोली सजा के रखना। चुप है, तेरी डोली गई तेल बेचने। इस लैंग्वेज पे कुछ लिखा है, जो लोग चाइनीज लैंग्वेज जानता है वो देख ले और कमेंट ज़रूर करें कि क्या लिखा है। हमने ना वहाँ से उतरने के बाद मुझे दिखा। अच्छा, मुझे दिखा बोल रहे हैं। दिखा दिया रवि को। और यहाँ से अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, देख रहे हैं ये रहा, वहाँ पे बुद्धा टेंपल है, वो भी ऊपर में बुद्ध भगवान की, बहुत खूबसूरत वहाँ पे एक मूर्ति बनाई हुई है। और वहाँ से व्यू ऑसम आता है। प्लीज भगवान थोड़ी देर के लिए सही बादलों को हटा दो, यहाँ पे पूरा साफ सफाई करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या एक्चुअली क्या है पीस ऑफ पगोडा, वो थोड़ा सा बोल दें। जब हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे ये पीस ऑफ पगोडा बनाया। काफी अच्छा जगह है। आइए हम लोग भी अब परिक्रमा कर लेते हैं। अब हम दोनों मॉनेस्ट्री के अंदर जाके वहां पर थोड़ा सा नमन करके आते हैं।
अब यहाँ से निकल के हम लोग जू के तरफ चलते हैं और वहाँ पे जू पे जाके विजिट करते हैं। हम लोग जू पे एंट्री कर रहे हैं और पद्मा जू नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क इस तरफ जाएंगे ब्लैक बियर हार्बिवोर्स स्नो लेपिडो उल्फ टाइगर वन म्यूजियम एचएमआई रेड पांडा बहुत कुछ है। रेड पांडा इस तरफ दिखेगा, इस तरफ जाएंगे नहीं, रेड पांडा उस तरफ दिखेगा। हाँ तो आगे हम लोग इस तरफ चलते हैं। हाँ, एक दो तीन चार पाँच छः सात, जहाँ पर मेजोरिटी ज़्यादा है उस तरफ हम लोग पहले जाएंगे। हिमालयन कोरल, हिमालय कोरल है, एक दो काफ़ी सारा है यहाँ पे ध्रुव। शिप है, शिप ब्लू शिप। हाँ सिंह देखें, ये गोरिल्ला रखा है इनको, ये दादा नेक्स्ट हो गया है, गोटा गोटा रही है, अंत वैरायटी बन रही है। इनके नहीं रखो, इनके मिश्मी तकीन सब सो रहे हैं, ये सब आराम फरमा रहे हैं अभी। एक्चुअली इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों ने देखा है ये अब बार्किंग एलोट डियर है। ये है हिमालयन माउंटिंग इंस्टीट्यूट HMI। यहाँ से ऐसे जाना, ठीक है यहाँ से पैदल आज इसके ऊपर से जाना होगा। काफ़ी सारे एक्टिविटी हैं, देखिए जिप लाइन 80 रुपये। बहुत सारा ऐसा एक्टिविटी है जो यहाँ पे कर सकते हैं। एक्टिविटीज 8 साल से ऊपर के होने चाहिए, 6 साल ऑल एक्टिविटीज। ये इंडोर वॉल क्लाइंबिंग है इसके अंदर। ये है एडमंड हिलारी की स्टैचू। इस इंस्टीट्यूट पे माउंटेनिंग करने का ट्रेनिंग दिया जाता है। ये है एक म्यूज़ियम जहाँ पे तेंजिंग नोरके, एडमंड हिलारी ऐसे बहुत सारे विशिष्ट व्यक्ति का सभी सामान यहाँ पे रखा गया है सुरक्षित। तो इसके अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे विजिट करेंगे, फिर निकल के आगे के जो जू हैं वो दिखाएंगे।
देखिए कितना आराम से सो रहा है ये बंदा, उसका खाल रवि ने पहना है, देखो मार के रवि ने पहन लिया गंदा इंसान। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे और एक है ब्लैक, रवि ने वहां से खाल निकाल के पहन लिया है, मर गया वो ऐसे करके सोया हुआ है। বলে যেদিন আমি আসলাম বেটা তুমি এখানে দাঁড়াতে পারবে না আমার কাছে, একদম গন্দা বয়। हम लोग रॉयल बेंगल टाइगर ब्लैक पैंथर देख के ये अब पक्षी का खांचा देखने के लिए आए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा विजिट करेंगे देखेंगे, फिर बहुत लेट हो रहा है हम लोग रोपवे के तरफ निकलेंगे और रोपवे पे बहुत मज़ा करेंगे। ये देखो रवि आ गया, अब बुलाया और आ गया। फाइनली आ गए हम लोग, अभी वो कोई पे हैं जा रहे हैं, बहुत लोग आएंगे। हाँ जी हम लोग जैसे ये किस तरह से नाटक नहीं कर रहे थे, जैसे ये कर रहे हैं झूला झूला रहे लक्ष्मण जी उतर गए, यहाँ से उतरे और हम लोग अभी घुट्टी गार्डन के थोड़ा सा उस तरफ जाएंगे, वहाँ से वहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। ये जो हिस्सा है यहाँ पे रोपवे का बहुत पुराने वाला हिस्सा है, आप देख सकते हैं रोपवे बहुत आगे का, और जो रोपवे है वो यहाँ पे है। रोपवे से नीचे आ गए, आके हम लोग मैगी ऑर्डर किए, तो मैगी खा रहे, बहुत भूख लगा था। ये रहा मैगी, अंडा मैगी, ये वेजिटेबल पीस का है, वेजिटेबल है, और अभी का बहुत भूख लगा था, अभी का स्टार्ट ऑलरेडी कर चुका है, मैं भी अभी स्टार्ट करूँगा, तो बहुत यम्मी है। अभी तक मैं दार्जिलिंग में मुझे सबसे अच्छा खाना मिला है, स्ट्रॉबेरी बहुत टेस्टी और स्पाइसी, जो मुझे बहुत पसंद है।
अभी के लिए अटाटा। अभी हम लोग दार्जिलिंग मॉल से महाकाल टेंपल की ओर चल रहे हैं। आगे बहुत ऊंचाई पे है, बहुत नहीं बस हम पहुंच रहे हैं। हम लोग के लिए तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, ऊंचाई लगता है। ऊपर जाने के आगे, महाकाल मंदिर ऊपर जाने के आगे हम लोग थोड़ा सा माता का दर्शन कर लेते हैं। सरस्वती, दुर्गा जी और गणेश जी। अभी और थोड़ा सा नीचे चलते हैं। माता वैष्णो देवी जैसे एक गुफा के अंदर विराजमान है, वैसे यहाँ पे छोटा सा केव है, उसके अंदर माता का दर्शन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। जय हो शंकरा आदि देव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की ज्योत ने गुफा से होते हुए महाकाल मंदिर के अभी ऊपर आ जा रहे हैं महाकाल जी के दर्शन करने के लिए। जिस तरह मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा, था कभी नहीं मेरा। ओम नमः शिवाय। ये महाकाल मंदिर क्या जो भी है सभी तेरा, तेरे सामने मेरे सर पे हाथ रख तेरा। वहाँ आकर बहुत शांति मिलती है और शक्ति मिलती है। यहाँ देखिए, यहाँ प्रदीप जलते हैं। यहाँ पे कितने प्रदीप जलते हैं भैया? 500 अभी कुछ यहाँ पे जले हुए हैं और अभी यहाँ पे और जलाए जाएंगे। उसके बाद चंद्रमा ललाट पे भस्म है बुझाओ में वस्त्र बाघ छाल का।
অনেকদিন থেকেই আমার একটা পাহাড় কিনবার শখ, কিন্তু পাহাড় কে বিক্রি করে তা জানি না। যদি তার দেখা পেতাম দামের জন্য আটকাত না। আমার নিজস্ব একটা নদী আছে, সেটা দিয়ে দিতাম পাহাড়টার বদলে। কে না জানে পাহাড়ের চেয়ে নদীর দামই বেশি। পাহাড় স্থানু, নদী বহমান। তবু আমি নদীর বদলে পাহাড়টাই কিনতাম, কারণ আমি ঠকতে চাই। নদীটাও অবশ্য কিনেছিলাম একটা দ্বীপের বদলে। ছেলেবেলায় আমার বেশ ছোটোখাটো ছিমছাম একটা দ্বীপ ছিল, সেখানে অসংখ্য প্রজাপতি। শৈশবে দ্বীপটি ছিল বড় প্রিয় আমার। যৌবনে দ্বীপটি আমার কাছে মাপে ছোট লাগল। প্রবহমান ছিপছিপে তন্নি নদীটি বেশ পছন্দ হলো আমার। বন্ধুরা বলল, ওইটুকু একটা দ্বীপের বিনিময়ে এত বড় একটা নদী পেয়েছিস, খুব জিতেছিস তো। তখন জয়ের আনন্দে আমি বিহ্বল হতাম। তখন সত্যিই আমি ভালোবাসতাম নদীটিকে। নদী আমার অনেক প্রশ্নের উত্তর দিত, যেমন, বলতো আজ সন্ধেবেলা বৃষ্টি হবে কি না। সে বলতো, আজ এখানে দক্ষিণে গরম হাওয়া, শুধু একটা ছোট্ট দ্বীপে বৃষ্টি, সে কি প্রবল বৃষ্টি, যেন একটা উৎসব। আমি সেই দ্বীপে আর যেতে পারি না, সে জানত। সবাই জানে শৈশবে আর ফেরা যায় না। এখন আমি একটা পাহাড় কিনতে চাই। সেই পাহাড়ের পায়ের কাছে থাকবে গহন অরণ্য। আমি সেই অরণ্য পার হয়ে যাব, তারপর শুধু রুক্ষ কঠিন পাহাড়, একেবারে চূড়ায় মাথার খুব কাছে আকাশ, নিচে বিপুলা পৃথিবী, চরাচরে তীব্র নির্জনতা। আমার কণ্ঠস্বর সেখানে কেউ শুনতে পাবে না। আমি ঈশ্বর মানি না, তিনি আমার মাথার কাছে ঝুঁকে দাঁড়াবেন না। আমি শুধু দশ দিককে উদ্দেশ্য করে বলবো, প্রত্যেক মানুষই অহংকারী, এখানে আমি একা, এখানে আমার কোনো অহংকার নেই, এখানে জয়ী হবার বদলে ক্ষমা চাইতে ভালো লাগে। হে দশ দিক, আমি কোনো দোষ করিনি, আমাকে ক্ষমা করো। और भी बहुत प्लेसेस हम लोग ने एक्सप्लोर किया है, तो मन दुख रहा है क्योंकि ख़राब हो रहा है। हम लोग जाएंगे, आज निकल जाएंगे, तो इसलिए मन बहुत ख़राब हो रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर कोलकाता आ जाएंगे। कोलकाता जाके फिर ऑफिस के काम सब कुछ फिर से शुरुआत होगा। और थैंक यू, गुड लक, टाटा गाइस, टाटा। अभी तक के लिए यहाँ।